हेलो बच्चों, हायर मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इसके पहले बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे। ये बीएससी का टॉपिक है, ग्रेजुएशन का, प्योर ग्रेजुएशन का है। इसके पहले जो टॉपिक है वो इंटर लेवल में भी आपने पढ़े होंगे, ट्वेल्थ लेवल में भी। देखिये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, माने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसको कि हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं, लेकिन चूंकि ग्रेजुएशन में प्योर हिंदी वर्ड में आप तो अगर सीखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, यू शुड कम अलॉन्ग विद द इंग्लिश वर्ड। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करने का पहला तो आपको वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, नहीं आया तो होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा, नहीं आया तो लीनियर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब अगर नहीं आया तब इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है सच दैट, किस कंडीशन को फॉलो करे, अगर मैं m को पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डेवर m अपॉन डेवर y, y के रेस्पेक्ट, m के साथ dx है लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट। जब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो x को कांस्टेंट मानते हैं, और डेवर n अपॉन डेवर x करें, इफ बोथ आर इक्वल, इफ इट फॉलोज दिस कंडीशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी एग्जैक्ट। तो इसको हम एग्जैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डेवर हम बोल रहे हैं, ये डेवर नहीं है, डेवर है। कुछ टीचर्स इसको डेल बोलते हैं, कुछ टीचर्स इसको कर्ल बोलते हैं। तो डेल कर्ल तो नहीं बोलना चाहिए, आप इसको डेवर बोल सकते हैं या इसको डेल बोल सकते हैं। वैसे आगे जब बीएससी की और आप हायर क्लास में जाएंगे, एक थर्ड ईयर वगैरह में, तो डेल जो है ना वो ये वर्ड होता है, इसको डेल कहा जाता है। तो इसको डेवर पढ़िए, अच्छी बात है, डेल भी अगर आप पढ़ते हैं गलत नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्ट आ गया, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जिसका ऐसा सोल्यूशन का तरीका देखिए। सोल्यूशन में हम करते क्या, जरा सावधान, हम इंटीग्रेट करते हैं एम डी एक्स का, यानी एम को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, यानी यहां पर जो वाई लिया जाएगा वो कांस्टेंट लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं एन डी एक्स का, कैसे, हम n के वो स्टेप्स लेते हैं, वो टर्म्स लेते हैं जिनमें x ना हो, यानी कि टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो। x ना हो मतलब जैसे कहीं पर एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये टर्म नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें x कंटेनर, प्योर y की टर्म आप लेने पड़ेगी, ठीक है। निकाल लिया आपने, तो जो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा तो क्या करेंगे, एम डी एक्स जो निकला है प्लस जो एन डी वाई निकला है और इसी इक्वल टू एक नया कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो दिस विल कम द सोल्यूशन। हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर समझिएगा, एम जो आएगा उसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंशिक अवकलन कहते हैं। जब वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं आप जानते हैं पार्शियल में तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं, और फिर n को x के रेस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, m dx निकालेंगे, उसमें हम y को कांस्टेंट मानेंगे, n को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और उसमें वो टर्म लेंगे जिनमें x ना हो, और इसके बाद दोनों को ऐड करके एक नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे, दिस विल बी योर सोल्यूशन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो मालूम ही हो गया होगा, टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अब क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो नाम से लग रहा है ग्रेजुएशन, तो बड़ा टफ लगता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया a² - 2xy + y² dx - y² dx + x, ये माइनस है, x + y टू द होल स्क्वायर dy = 0।
अब हमको पहले तो देखने से तो लग रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मेट तो क्लियर हो गया कि कुछ एग्जैक्ट टाइप का है, लेकिन एग्जैक्ट को चेक करने के पहले आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इसके पहले आप इसको होमोजीनियस है कि नहीं है, इसके पहले वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, सब चेक कर लेंगे आप, ठीक है। चेक कर लेंगे मतलब मन में चेक कर लेंगे, और देखने से जब प्रैक्टिस करोगे मालूम हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग में तो मेरी राइटिंग गंदी है लेकिन समझ में तो आ ही जाएगी। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहां एम क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और एन क्या आएगा, ध्यान रखिएगा आपने यहां प्लस लिया है, कोफिशियंट में माइनस भी है, तो अब माइनस लगा के ब्रैकेट भी खोल दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। अब क्या करेंगे आप, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट, एम डी एक्स के साथ है तो एम को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको करेंगे तो कॉन्स्टेंट का जीरो, अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका माइनस का टू एक्स आएगा और इसका माइनस का टू वाई आएगा, डेवर एम पार डिवाइड बाई क्या आया, टू एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में किया करना है पार्शियल, डेवर एन पार डेवर x, कंफ्यूज मत होना, डेल भी पढ़ते हैं इसको कुछ लोग, तो ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में माइनस का टू एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां करेंगे तो टू वाई कॉन्स्टेंट है, x का वन थ्री माइनस का टू वाई, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस। आप देखिए एज डेवर एम अपान डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा नाम को अच्छा लगेगा नहीं गुस्सा हो जाएगी, इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो सोल्यूशन जो हमने बताया है ना उसको थोड़ा सा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जरा सावधान, हमने क्या कहा इंटीग्रल एम डी एक्स लिखिए, थोड़ा इंटीग्रल को जो साइज है वो अमिताभ बच्चन के साइज का बनाना, नहीं मतलब अमिताभ बच्चन लंबे कितने साइज लंबे हैं, ऐसा बनाना कि यहां थोड़ी जगह छूट जाए, तो यहां लिख दीजिएगा टेकिंग वाई कांस्टेंट, टेकिंग वाई कांस्टेंट, और प्लस इंटीग्रल एन डी वाई लीविंग लीविंग टर्म्स कंटेनिंग एक्स, कंटेनिंग एक्स यानी वे टर्म हम जोड़ देते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप चाहे तो ऐसे लिख दें डायरेक्ट हो जाएगा, आप चाहे तो पहले जो हमने स्टेप लिखा उस तरीके से इसको कर दें, ठीक है। अच्छा इसको नोट कर लिया, अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम जरा रब करते हैं दो लाइन में, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट हमने क्या कहा एम को पूरा का पूरा लिखना है, पूरा लिख दो, क्या है आपका एम ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रल एन पे वो टर्म लिखने हैं जिस टर्म में एक्स ना हो। अब देखिए इस टर्म में एक्स है, इस टर्म में भी एक्स है, किसी भी तरीके से एक्स दिखना ही नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल किकआउट कर दीजिए, तो केवल माइनस का वाई स्क्वायर आएगा डी वाई और एक नया कॉन्स्टेंट आएगा सी, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ए स्क्वायर का जब करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई तो ऐसे ही कांस्टेंट होगा, तो ये टू वाई हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर अकेला है इसका एक्स हो जाएगा माइनस, फिर वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर कुछ कैलकुलेशन हो सकता है कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन। तो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द वे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन है वाई साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमने पहले तीनों मैथड वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सब चेक कर लिया, पूरा खानदान देखा, कोई नहीं कहीं नहीं मिला, ठीक है, इधर उधर ढूंढा नहीं मिला, तो हमने देखा कि कुछ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की टर्म का ये दिख रहा है, तो आप कब इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो।
तो यहां पर m क्या हो जाएगा, m आएगा y साइन टू एक्स, और n क्या हो जाएगा, n आएगा माइनस y स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो डिफरेंशिएशन जो 12th लेवल का है, क्योंकि यू आर इन द ग्रेजुएशन तो 12th लेवल डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, अगर वो क्लियर नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन यू कैन सी। अब आप कहेंगे अच्छा बीएससी में जाके इंटर का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, देखना तो पड़ेगा भाई, या तो आता हूं ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई। देखो वाई के रिस्पेक्ट पे करोगे तो एक्स का पूरा टर्म कॉन्स्टेंट माना जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन वन होगा, तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई बिकम साइन टू एक्स। फिर क्या करेंगे, डेवर एन अपॉन डेवर एक्स पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई का टर्म पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट का हो गया जीरो माइनस कॉस का क्या होगा टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। मालूम हो गया वो कैसे किया गया है, तो ये फार्मूला फिर आपको साइन टू एक्स का दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि डेवर एंड पॉन डेवर वाई और डेवर एंड पॉन डेवर एक्स दोनों सेम है, एज डेवर एम पॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, सत्य निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने कहा इंटीग्रल एम डी एक्स कर दो, ब्रैकेट लिख दो, टेकिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट या तो यहां लिख दो, प्लस इंटीग्रल एन डी वाई कर दो, इसमें क्या कर दो, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग वाई, टर्म्स कंटेनिंग एक्स सॉरी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने शॉर्ट में लिखा है लेकिन पूरा पूरा बोला है उसे ही आप माने, और थोड़ा सा शायद ये वीडियो ऐसे जा रहा है लेकिन अब वो क्योंकि आर्ट मेरी अच्छी नहीं है तो जाहिर है हमको तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि वीडियो हमको ऐसे दिख रहा है, ठीक है देख लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, एम को तो पूरा का पूरा लिखना है, क्या है वाई साइन टू एक्स, वाई साइन टू एक्स डी एक्स, प्लस एन को तो क्या लिखना है, इन्होंने कहा लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग एक्स, एन के वे टर्म्स कतई छोड़ दीजिए जिसके साथ एक्स का जरा सा भी साया हो, ठीक है तो एक्स के साथ किसका इसका साया है, जरा एन को देखिए, ये तो पूरा एक्स एक्स है, अकेला ये माइनस का वाई स्क्वायर बचा, तो माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस हो गया, तो जस्ट इंटीग्रेट इट यू गेट योर आंसर, ठीक है ओके नोट डाउन, आई एम गोइंग टू राइट इट, राइटिंग गंदी है इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं जिससे कि गंदा ना दिखे, गंदगी छुपाने के लिए बड़ा बड़ा लिखता हूं। देखिए जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा साइन टू एक्स का माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का है वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा आप अमेंड करके लिख लो, देखिए दो चीजें हैं, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, आप यही भी आंसर छोड़ सकते हैं, माइनस दो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस विल कम वाई बाई टू कॉस टू एक्स प्लस वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सी। अब क्योंकि माइनस सी विल नॉट कम इन द आंसर, तो आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, ये माइनस सी को आप चाहे तो केवल सी डैश लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट का मसला बिल्कुल सिंपल है, आप कॉन्स्टेंट को भी जोड़ दो, सी जोड़ दो, लॉग सी जोड़ दो, टेन सी जोड़ दो, तो वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है तो दिस विल कम, आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री वाई कॉस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स सी डैश, इसको सी डबल डैश लिख सकते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट का लफड़ा कहीं आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम वन मोर क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स टू पावर फोर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू पावर फोर डी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, ये दिया हुआ है, पढ़ने से मतलब नहीं है। अब एक तो देखने से एग्जैक्ट टाइप का लग रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा, तो कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स करेंगे, यहाँ एम क्या होगा आप लिखेंगे पूरी बार, यह आएगा एक्स टू पावर फोर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू पावर फोर, और जब एन लिखेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, हम इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे बिकॉज हमारे फॉर्मूले में प्लस होता है, ये क्या आएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई क्यूब माइनस का साइन
वाई। अब क्या करेंगे, आप पहले डेवर एम अपान डेवर वाई कर देंगे, यानी एम को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट पार्शियल करते हैं तो यू हैव टू टेक एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, बिकॉज दिस होल टर्म इज कॉन्स्टेंट जीरो। यहां पर जब एक्स कॉन्स्टेंट करेंगे तो केवल वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई होगा, तो दिस विल कम फोर एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस फोर वाई क्यूब, तो दिस इज कमिंग माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई क्यूब। नाउ इफ यू आर पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेवर एंड पार्ट डेवर एक्स, डेवर और डेल में आपको बता दिया कर सकते हैं आप, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां पर एक्स का हो जाएगा टू एक्स, तो माइनस का फोर एक्स वाई, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4y क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा y का टर्म है तो 0 हो जाएगा, तो आएगा प्लस का 4y क्यूब। जरा ध्यान से देखें, दिस टर्म एंड दिस टर्म द सेम, तो आप क्या लिखेंगे कि एज डेवर m अपान डेवर y इज इक्वल टू डेवर n अपान डेवर x, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट तो आ गई, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, हम क्या करेंगे इंटीग्रल एम डी एक्स, यहां लिख दो छोटा छोटा बढ़िया सा, टेकिंग एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट, यहां भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, प्लस इंटीग्रल एन डी वाई, इसमें क्या करेंगे लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग एक्स, जिसमें भी एक्स है उसको लीव कर दीजिए, ये कांस्टेंट आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इंटीग्रल एम तो पूरा का पूरा ये पूरा एक भी है लिखना पड़ेगा, एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर फोर डी एक्स प्लस, हमने कहा एन के वे टर्म छोड़ दीजिए जिसमें एक्स हो, कहीं दूर दूर से भी एक्स की छाया उसमें पड़ रही हो, इट कंटेन एक्स इट कंटेन एक्स इट इज अ प्योर इन वाई सो यू विल टेक ओनली साइन वाई, सो माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ सिंपली इंट्रीगेट इट, नोट कर लिया होगा, तो जब इसको हम इंट्रीगेट करेंगे तो वॉट आंसर वी गेट, देखिए क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई कॉन्स्टेंट है तो एक्स पावर फोर का क्या हो जाएगा, यह आएगा एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टू वाई स्क्वायर, तो ऐसे लिखा रहेगा x का होगा x स्क्वायर बाई टू प्लस y पावर फोर का y पावर फोर एक्स, ये माइनस और साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थोड़ा सा अमेंड कर सकते हो टू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस आंसर विल कम x पावर फाइव बाई फाइव माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पावर फोर एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द दिस इक्वेशन विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हैव यू गॉट इट, यस सर फीडबैक फुल, वन फॉर माई मास्टर वन फॉर द लिटिल लैंप, तो क्या हो लिव्स डाउन द लेन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सी, देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्वेश्चन है बार बार नहीं पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से, ये देखने से तो लग रहा है एग्जैक्ट है, इसलिए लग रहा है कि एग्जैक्ट का ही वीडियो है तो एग्जैक्ट ही दिया जा रहा होगा, ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए एक बात और हम बता दें आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या इसको कहा जाता है कि इंस्पेक्शन मेथड होता है, आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट हो जाए। देखिए मैं फिलहाल इसको कंपेयर करता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यहां m की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, अभी आप लिखिएगा लेकिन कुछ गलत हो रहा है इसमें, और n की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस का वाई, ये माइनस को अंदर करते हैं, ठीक है एग्जैक्ट है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमको तो मालूम है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको कुछ होता मालूम। अब हम जरा m को y के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आपका 2y आ जाएगा है ना, क्योंकि x तो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब यहां पर n को करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो माइनस का 4x आ जाएगा, भयंकर रूप से एग्जैक्ट नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जब, तो वहां पर एग्जैक्ट को जैसे होता है कि कोई
होमोजीनियस नहीं होता है तो रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस फॉर्म में करना पड़ता है। जैसे कोई एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। अभी वहां नहीं जा रहे हैं, यहां पर वो वहां जब हम बताएंगे तो वहां इस क्वेश्चन को दोबारा हम सॉल्व करेंगे, वहां बता भी देंगे कि हमने पहले इस क्वेश्चन को लगाया है, पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिक्कत कौन कर रहा है? आपके भैया जो टू है ना, टू का अगर मल्टीप्लाई ना होता तो कुछ एक जैसा ये टर्म दिख रहा है। मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, देखो ध्यान से, इसको हम काट देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो बात ही खत्म। ठीक, जब हम वहां बात करेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट कैसे उसको चेंज किया जाए तो वो अलग की बात है, या थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक साथ लिखेंगे तो इसको डिवाइड करोगे, इसके नीचे लिखोगे तो आए वन, और प्लस एक्स के नीचे करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ डी एक्स हो गया माइनस। इन दोनों स्टेप में टू कॉमन लेंगे, उसके ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड करोगे इसे ये आएगा टू माइनस वाई के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा एक जैसा था इसलिए उसको वहां से हटाई दिया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन ले जाना पड़ेगा, माइनस टू प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं इसको चेक किया जाए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अब क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ डिविजन टू लगेगा, क्या पढ़ाया आपने, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर, शायद याद हो आपको, आपने पढ़ा दी। ठीक है, चूंकि ये वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और यहां जाएंगे तो आएगा माइनस का एक्स और टू वाई का टू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर का, तो इंटू टू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आया माइनस टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो आपका दिमाग चल गया होगा कि एग्जैक्ट बनाया गया है तो एग्जैक्ट को ही होगा, तो ऐसा नहीं कि आप लिख दोगे दिस शोज दैट इट इज एग्जैक्ट, यू हैव टू शो इट। अब आप क्या करेंगे, एन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां भी डिविजन लगेगा, अब डाइड कर रहा हूं मैं टू का जीरो, इसमें देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, जब आप न्यूमरेटर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो वाई है कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर, और जब एक्स स्क्वायर करोगे तो टू एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आएगा माइनस का टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेवर एन अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम फिलहाल इतना रब करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम, इतना रब करेंगे और ये रबी कर देंगे। क्या लिखा जाएगा कि एज डेवर एम अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट है, हमने डिवाइड किया था, इसके बाद का जो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट पढ़ाया जाएगा उसे फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जानबूझ के करेंगे, और ये बताएंगे कि पहले वीडियो में हमने बताया था और फिर आप उसको देखेंगे। ठीक, देखो जरा क्या सलूशन होगा, इसका सलूशन निकालते हैं। क्या होता है, इंटीग्रल एम डी एक्स टेकिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डी वाई लीविंग टर्म्स कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो हम लिख रहे हैं ना, आपको एग्जाम में साफ साफ लिखना पड़ेगा, वहां नहीं कहना कहेंगे वो रेटिंग दी है, वो हमने बोल दिया है, तो लिखना पड़ेगा। अब देखो जरा, यहां पर जब हम एम लिखते हैं
तो m की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। और यहां जब n लिखते हैं तो साफ साफ दिख रहा है ये भाई साहब पूरे के पूरे x में सने हुए हैं, नीचे x स्क्वायर हट नहीं सकता, तो पूरा हट जाएगा क्यों, माइनस का 2 बचेगा, 2dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, अब इसका काम खत्म है, इसको हटा दिया जाए यहां से। देखिए इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, देखिए सावधान, जब 1 को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा प्लस, और ये मैं जानबूझ के लिए दे रहा हूं, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डी एक्स इज माइनस का ये 2 इसका y हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट। इसको इंटीग्रेट करना हम सिखाते हैं। वैसे तो आपने इंटरमीडिएट में बहुत सारा देखा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को t मान लिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब इंटर का लेवल का क्वेश्चन लगा भी सकते हैं। इसको आप t मान लीजिए तो इसका क्या होगा, 2x dx is equal to dt, आपके पास ऊपर x dx लिखा हुआ है तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt by 2 यहां रख दो, सो ये हो जाएगा x प्लस ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t by 2 बाहर, और माइनस 2y तो ऑलरेडी है ही। अब आप जानते हैं कि 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होगा, log t टू बेस e माइनस 2y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, t का मान रख दो, तो x प्लस 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस लॉग के कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका जो लॉग लिखा गया है वो है लॉग बेस ई। ज्यादातर केसेस में बड़े क्लासेस में क्या होता है, हम लॉग न लिखे ln लिखते हैं, देखो एक लिखा होता लॉग, वैसे कैलकुलस में लॉग अगर लिखा है तो बेस ई रहेगा, लेकिन कभी कभी बेस ई के लिए ln लिख दिया जाता है, ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम होती है, वहां अपने आप बेस ई लिखा जाता है, ठीक है। अगर कहीं आंसर ln लिखा हो तो मान लीजिए वो लॉग बेस ई है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसमें कि वो एग्जैक्ट बनाई जाएगी। नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि इसमें नाइट हो रही है, गुड नाइट।